एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बहुत ही इजी मेथड से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इन सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बिल्कुल अब बनाकर रेडी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, और वो भी शुगर फ्री। तो बस झटपट देखते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माय लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ डेट्स ले लिए हैं। डेट्स यानी यहाँ पर मैंने पिंड खजूर लिए हैं, ये खजूर है और मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए हैं, ये देखिए। और मैं ये वाले डेट्स ले रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और वैसे आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, बस आप उसका जो बीज है, गुठली है, वो निकाल के रख लें। और फिर इसको हमें ग्राइंड करना है और बस बनाना हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, तो यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। मैंने यहाँ बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट लिए हैं। आप इसमें किशमिश, खसखस, मगजबीज, जो भी आपके पास हो वो सब डाल सकते हैं। अब साइड में हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा थोड़ा दरदरा हमने पीस लिया है। अब यहाँ हम अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेंगे एक चम्मच घी में। और ये जो लड्डू हैं वो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप इसी को ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और पूरी सर्दियाँ आराम से बैठकर खा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप अपने बच्चों को ये लड्डू बनाकर रोज एक दीजिए एक ग्लास दूध के साथ, और आप देखेंगे कि आपके बच्चों के दिमाग कितना ज़्यादा तेज भागता है, दौड़ता है बिल्कुल, और बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं आपके बच्चे इन सर्दियों में। और आप लोग भी ये बनाकर देख सकते हैं अपने घर पर, बहुत ही टेस्टी, और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। इस बहाने वो ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से खाएंगे। आपको यहाँ बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से इसको भूनना है, जब तक कि इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए और आपको समझ में आ जाएगा, इसकी खुशबू आपको आने लगेगी। थोड़ा सा इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे और बस हमें इसको थोड़ा सा भूनने के बाद गैस बंद कर देना है। और जो हमने डेट्स को भी अच्छे से मिक्सर में चला लिया है उसको हम इसमें डालकर बस इसको मिक्स करेंगे और गैस ऑफ कर देंगे, और आप देखेंगे लड्डू बिल्कुल फटाफट बनेंगे हमारे। तो एक बार आप जरूर घर पर बनाकर देखिए, आपका बिल्कुल प्रोटीन से भरा हुआ ये मिक्सर है, आप इसको बनाकर रख सकते हैं। और जब भी आपको कोई लड्डू बनाने हो या फिर कोई हलवा बनाना हो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा निकाल रही हूँ, बाद में हम अपने लड्डू के ऊपर इसको कोट करेंगे। और अगर आप बिना कोट के बनाना चाहें तो आप सिंपल बना सकते हैं। अब देखेंगे हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हमारे डेट्स का जो मिक्सचर है ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से हमारा बिल्कुल हो गया है, पिस गया था। अब इसको हम अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि इस टाइम पे आपको गैस ऑफ कर देना है क्योंकि हमारा जो तवा है वो ऑलरेडी गर्म है और इसको हमें ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और बस अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से हाथों से, और ये देख सकते हैं आप पूरा मिक्सचर एक साथ हो गया है। अब आपको बस सिंपल अपने हाथों से ही लड्डू बना लेना है और बस एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करके रख दीजिए और बस सुबह शाम अपने बच्चों को ये दीजिए। आप देखेंगे इन सर्दियों क्यों बिल्कुल कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी उनको नहीं लगेगी और बिल्कुल वो स्वस्थ रहेंगे। और दिमाग के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ही फायदेमंद है। एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, तो आप लोग ये जरूर बना कर रख लें, एक बार जरूर ट्राई करें विथ माय रेसिपी। अगर आज का ये वीडियो, आज के ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू अगर आपको थोड़े भी पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।